आवाज सर्वसामान्यांचा। वहा पहलवान अंजुमन उर्दू स्कूल की विज्ञान प्रदर्शनी में स्कूल के भावी वैज्ञानिकों का उत्कृष्ट प्रदर्शन। यवतमाल जिले की दिग्रस तहसील में अंजुमन उर्दू माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इसका उद्घाटन प्राचार्य सोहिल जावेद सर ने किया। इस प्रदर्शनी को देखने स्कूल के प्रिंसिपल अध्यापक तथा सभी कक्षा के छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। इस विज्ञान प्रदर्शनी में स्कूल के छात्र छात्राओं ने विभिन्न विषयों पर अपना मॉडल बनाकर उसे प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया। इसमें सड़क सुरक्षा, सौर मंडल, पर्यावरण सुरक्षा, स्मार्ट सिटी व सौर ऊर्जा सहित अलग अलग विषयों को प्रदर्शित किया। इस वार्षिक आयोजन में स्कूल प्रबंधन ने विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया था। प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रिंसिपल सोहिल जावेद ने विद्यार्थियों के बनाए मॉडल और उनकी प्रतिभा की सराहना की। उन्होंने विद्यार्थियों से हमेशा रचनात्मक सोच रखने की सलाह दी और कहा कि विद्यार्थी हमेशा कुछ नया करने की सोचें और इसी में अपनी ऊर्जा को लगाएं। बच्चों को प्रेरित करते हुए अंग्रेजी के अध्यापक अनिस सर ने कहा कि आज इनोवेशन का जमाना है, नवाचार को हर क्षेत्र में बढ़ावा मिल रहा है और इससे अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। प्रदर्शनी के अंत में विज्ञान शिक्षक उज्मा खान मैडम तथा तारिक खान सर ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान का चयन किया तथा कंजोलेशन प्राइज व अन्य छात्राओं को दिया गया। अंजुमन तरक्की ए उर्दू के संस्था अध्यक्ष मोहम्मद रफीक पहलवान ने विजेता छात्रों की प्रशंसा की और बधाई दी और स्कूल के प्रधानाचार्य तथा विज्ञान शिक्षक और अन्य शिक्षकों ने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं एवं बधाई दी। इस अवसर पर भावी वैज्ञानिकों ने अपने द्वारा बनाए गए मॉडल के बारे में विस्तृत जानकारी दी। पानी नहीं मिलेगा और वही खेतों में गिर गई उसकी अगर से शुआ है तो वो
खेती पूरी सूख जाएगी। ये वो किस वजह से रहा है, क्योंकि हमारे गर्मी के मौसम में हमें तो गर्मी लगती है, तो उसमें हम हमारे घर में एसी लगाते हैं, जिसकी वजह से सीएफसी गैस निकलती है। वो गैस हवा में मिलकर ओजोन लेयर को डैमेज करती है और वो हर जगह गाड़ियों से गंदा पोल्यूशन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड वही हवा में मिलकर वो भी ओजोन लेयर को डैमेज कर रहा है। और हर चीज़ हमारी कारखानों से बनती है, तो कारखानों में भी जहरीली गैस है, वो बाहर फिजा में छोड़ी जाती है, तो फिजा में मिलकर वो हवा से मिलकर ओजोन लेयर तक पहुँचती है, तो ओजोन लेयर में वो डैमेज करती है। ओजोन लेयर को डैमेज करने का मतलब कि हमें खुद को नुकसान पहुँचाना है, इसलिए जिससे गंदगी धुआं निकलता है, मतलब पॉल्यूशन निकलता है, इसे हमें रोकना चाहिए कि हम खुद तंदुरुस्त रहें। सोलर पैनल पर बिजली आती है, इसमें बिजली तैयार होती है और ये बिजली जमा होती है। जब ये हमें जब बिजली की ज़रूरत होती है तो हम स्विच ऑन करके बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके हम यहाँ स्विच ऑन करेंगे, ये मोटर स्टार्ट होंगे और फिर ये नदी का पानी टैंक तक जाएगा और फिर टैंक के जरिए खेतों तक पहुँचेगा। मायने में जवेरिया फिरोजबेग और जैसे कि उन्होंने बताया, और इससे हम किसान को बिजली के बिल का फायदा होगा और उससे उनको नुकसान, जब वो हम हॉल पे बिजली बनाते हैं वो कोयले वगैरह से, तो वो उससे हमको नुकसान हो सकता है, इससे हमको नुकसान नहीं होगा। माइनिंग की समस्या शेयर कर दी। आई एम इन 9th स्टैंडर्ड। हमारे का नाम है डे नाइट इनोवेशन। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि रात और दिन कैसे होती है। जमीन सूरज की गिर्द की गर्दिश करती है और चांद जमीन की गिर्द गर्दिश करता है। जमीन अपने महवर पर घूमती है। जमीन को अपने एक्सिस पर घूमने के लिए 24 घंटे का वक्त लगता है, यानी एक दिन लगता है। जमीन अपने एक्सिस पर घूमती हुई सूरज की गिर्द चक्कर लगाती है। जमीन को सूरज की गिर्द एक चक्कर लगाने के लिए 365 दिन यानी एक साल का वक्त लगता है। जमीन 23.5 डिग्री एंगल पर झुकी हुई है। महवरी गर्दिश, जमीन की महवरी गर्दिश एक्सियल रोटेशन वेव से ईस्ट की तरफ होती है। बारिश का पानी को साफ करेंगे और वेल में सेव करेंगे, और गर्मी के टाइम पे हम उसे ले सकते हैं यूज में, उसे खेत वगैरह में या पीने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ये अक्सर नीचे जमीन में रहते हैं, फिर हमने इसको बनाने के लिए ऊपर बनाए। अगर सड़कें बन रही हैं, वो सीमेंट से बन रहे हैं।
बाली का पानी आता है तो उसमें जमीन जस्ट नहीं कर पा रही है, तो ये कुएं का पानी